गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से आपका कंप्यूटर का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। ये आपकी कंप्यूटर की बुक है एंड दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हम कंप्यूटर उनके सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कंप्यूटर क्या होता है, फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड। नाउ आर डेज वी यूज़ कंप्यूटर एट मैनी प्लेसेस एज दे आर फास्ट, एक्यूरेट एंड हैव अ वेरी हाई मेमोरी। बिसाइड्स दिस, इट स्टोर्स द डेटा इंफॉर्मेशन ऑन इट्स स्टोरेज डिवाइस फॉर फ्यूचर यूज़। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारी नीड के, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से काम करता है। आजकल बहुत सारी जगहों पे कंप्यूटर का यूज़ होता है। कंप्यूटर बहुत फास्ट और एक्यूरेट हैं, जिनकी मेमोरी भी बहुत हाई होती है। इसके अलावा कंप्यूटर में हम डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, जो कि आगे हमें फ्यूचर में यूज़ होती है हमारी। नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। अ कंप्यूटर मेनली परफॉर्म्स फोर फंक्शंस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। इनपुट इनपुट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन टू द सिस्टम थ्रू इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, ETC। इनपुट वो इंफॉर्मेशन होती है जो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को देते हैं। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस। नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस इज़ द एक्शन ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन इन अ न्यू फॉर्म थ्रू रिट्राइवल और मैनिपुलेशन यूजिंग द प्रोसेसिंग डिवाइस दैट इज़ CPU। प्रोसेस एक वो एक्शन होता है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को, हमें उसको रिट्राइव करके, उसको सही करके हमें देता है वापस। ये सब होता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस के थ्रू। प्रोसेसिंग डिवाइस होती है CPU। आउटपुट आउटपुट प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र विच इज़ गॉट आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑन द आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, ETC। प्रोसेसिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें, वो हमारी आउटपुट कहलाती है, और वो जो जिस चीज़ पे हमें मिलती है वो कहलाती है हमारी आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर। नेक्स्ट इज़ स्टोरेज। स्टोरेज स्टोर्स और प्रिजर्व्स द इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज ऑन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, CD, DVD, ETC। स्टोरेज जो होता है इसमें हम अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, जो कि बाद में हमारे काम में आती हैं। ये कुछ स्टोरेज डिवाइस हैं जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD। नेक्स्ट इज़ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस इज़ यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस को एंटर कर सकते हैं। कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। अ कीबोर्ड हैज़ की ऑन इट, वट एवर वी टाइप यूजिंग द कीबोर्ड अपीयर्स ऑन द मॉनिटर। कीबोर्ड जो होता है उसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, जो भी हम टाइप करते हैं कीबोर्ड पे वो हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है। नेक्स्ट माउस। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच अलाउ अस टू गिव कमांड एज इनपुट। इफ़ वी यूज़ अ मॉनिटर माउस टू पॉइंट एट, सेलेक्ट एंड मूव ऑब्जेक्ट्स ऑन द मॉनिटर। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम इनपुट को कमांड कर सकते हैं। माउस के थ्रू हम किसी भी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं और उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, या हमें कोई भी एप्लीकेशन ओपन करनी होती है तो वो हम माउस के थ्रू ही करते हैं। नेक्स्ट इज़ माइक्रोफोन। वी कैन रिकॉर्ड एंड सेंड आवर साउंड इन टू द कंप्यूटर यूजिंग अ माइक्रोफोन। हम माइक्रोफोन के थ्रू अपनी साउंड को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर से सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोसेसिंग डिवाइस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। दिस इज़ वेयर द कंप्यूटर डज ऑल इट्स प्रोसेसिंग वर्क। इट प्रोसेस एंड डेटा वी फीड इन टू द कंप्यूटर एंड गिव द आउटपुट एज इंफॉर्मेशन। दिस इज़ इनसाइड द बॉक्स कॉल्ड CPU बॉक्स। CPU एक हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, यह कंप्यूटर का दिमाग कहलाती है। ये वो जगह होती है जहाँ पे कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग होती है। जो भी डेटा हम इनपुट के थ्रू कंप्यूटर में डालते हैं वो प्रोसेस हो जाता है, इसी के थ्रू हमें आउटपुट इंफॉर्मेशन मिलती है, आउटपुट डिवाइसेस से। यह एक सीपीयू बॉक्स में बंद होता है। अ सीपीयू इज़ मेड अप ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। दे आर सीपीयू के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मेमोरी यूनिट MU, इट इज़ इन दिस यूनिट वी कैन स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच आर टू बी प्रोसेस्ड एंड आर देन पास्ड ऑन टू ALU और CU। मेमोरी यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसमें हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि प्रोसेसिंग के बाद ALU और CU के पास जाते हैं। कंट्रोल यूनिट CU, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द मैने एंड मैनेजेस द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट जो होती है कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी वर्किंग को कंट्रोल करती है, उनको मैनेज करती है। ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसके थ्रू हम कोई भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑन ऑफ द डेटा। इनपुट मे बी आउटपुट मे बी प्रिंट आउट्स फ्रॉम द प्रिंटर, साउंड्स ऑन द स्पीकर्स और इमेजेस ऑन द मॉनिटर। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके थ्रू हम प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को देख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जैसे प्रिंटर, प्रिंटर से हमें जो प्रिंट आउट मिलता है, स्पीकर्स के थ्रू हम साउंड सुन सकते हैं, मॉनिटर के थ्रू हम इमेजेस देख सकते हैं। द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन्स एंड प्रिंटर्स। अ मॉनिटर डिस्प्ले वॉट एवर इज टाइप ऑन द स्क्रीन। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। इट इज़ कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। द आउटपुट ऑन मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर जो होता है हम उस पर चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे हमने कुछ भी टाइप किया है तो वह हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाता है, इसलिए इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर पे जो हमें आउटपुट मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जिस चीज़ को हम सिर्फ देख सकते हैं उसको टच नहीं कर सकते, और हार्ड कॉपी जिसको हम टच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पीकर। वी कैन हीयर साउंड कमिंग फ्रॉम द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। हम स्पीकर के थ्रू साउंड सुन सकते हैं जो कंप्यूटर से आती है। एंड हेडफोन्स अलाउ टू लिसन साउंड टू द कंप्यूटर प्राइवेटली इन द ईयर्स। हेडफोन्स के थ्रू भी हम साउंड सुन सकते हैं, लेकिन हेडफोन्स के थ्रू हम जो साउंड सुनते हैं वो हम प्राइवेटली भी सुन सकते हैं। जैसे स्पीकर्स के थ्रू जो हम सुनते हैं वो प्राइवेट नहीं होती, उसे कोई भी सुन सकता है, लेकिन हेडफोन्स के थ्रू जो हम साउंड सुनते हैं वो हमको ही सुनाई देती है बस। नेक्स्ट इज प्रिंटर। अ प्रिंटर हेल्प अस टू प्रिंट ऑन अ पेपर वॉट वी सी ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। द आउटपुट प्रिंटर्ड ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। प्रिंटर की हेल्प से हम किसी भी चीज़ का, किसी भी पेपर का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, जो चीज़ हमें मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई दे रही होती है। जो आउटपुट हमें प्रिंटर से प्राप्त होता है वो हमारा हार्ड कॉपी कहलाता है। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइसेस। ऑल द वर्क डन बाय अस ऑन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज डेटा। वी कैन सेव आवर डेटा टू यूज इट लेटर विद द हेल्प ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। जो भी वर्क हम करते हैं कंप्यूटर पे वो डेटा के रूप में स्टोर रहता है। इस डेटा को हम सेव भी कर सकते हैं और बाद में ज़रूरत पड़ने पे इसे यूज़ भी कर सकते हैं। ये सब होता है हमारा डेटा स्टोरेज डिवाइसेस की हेल्प से। कुछ डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क इज़ अ मेन स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर्स ऑल द वर्क वी डन ऑन अ कंप्यूटर।
इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, इट स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। हार्ड डिस्क जो होती है वो एक मेन स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें कंप्यूटर के सारे वर्क होते हैं। ये सीपीयू बॉक्स के अंदर होती है, इसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी इज़ अ राउंड शाइनी एंड सर्कुलर डिस्क एंड कैन स्टोर डेटा। अ सीडी कैन बी रीड एज मैनी टाइम्स एज वी वॉन्ट टू एंड कैन बी रिटन एंड इरेज्ड अगेन। सीडी जो होती है वो राउंड शेप में होती है और बहुत शाइनी होती है। इसमें भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सीडी में जो हम डेटा स्टोर कर सकते हैं उसे हम कितनी भी बार देख सकते हैं और उसमें हम कुछ भी राइट भी कर सकते हैं और उसे इरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज़ जस्ट लाइक अ सीडी बट इट हैज़ अ ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी। इट इज़ आइडियल फॉर सेविंग मूवीज़ फॉर बेटर पिक्चर क्वालिटी। डीवीडी जो होती है वो भी देखने में सीडी के जैसी ही होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें हम मूवीज़ को स्टोर कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के लिए। अ पेन ड्राइव इज़ अ टिनी स्टोरेज डिवाइस दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड कैन बी कैरीड इजीली। एक पेन ड्राइव जो होती है वो छोटी स्टोरेज डिवाइसेस होती है जिसमें हम लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी सारी मात्रा में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इसको इजीली कहीं भी ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट आपके कुछ फिलअप्स हैं, ये आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट है नेम द फॉलोइंग डिवाइसेस। फर्स्ट है इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? कंप्यूटर है। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू गिव कमांड इन अ ग्राफिकल वे। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि चीज़ों को ग्राफिक तरीके से कमांड करता है। क्या है? माउस। इट रिकॉर्ड एंड सेंड आवर साउंड इन टू दी कंप्यूटर। ये हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है और कंप्यूटर को भेजता है। माइक्रोफोन। इट इज़ अ मेन स्टोरेज डिवाइस प्रेजेंट इन साइड द सीपीयू बॉक्स। ये एक मेन स्टोरेज डिवाइस है जो सीपीयू बॉक्स के अंदर होती है। हार्ड डिस्क। इट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है ALU। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। अनलाइक अ हार्डवेयर, अ सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन और टच्ड। टू मेक द हार्डवेयर वर्क वी नीड टू हैव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन इट। सॉफ्टवेयर रिफर्स टू स्पेशली रिटन प्रोग्राम्स एंड कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू कैरी इट्स फंक्शंस। दीज प्रोग्राम्स आर रिटन इन अ लैंग्वेज विच ओनली अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। दो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं और उस पर फिजिकली हम वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हार्डवेयर डिवाइस हो गई, जैसे इनपुट डिवाइस जो होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस होती हैं, स्टोरेज डिवाइस होती हैं, या आपकी हार्डवेयर डिवाइस होती हैं। और सॉफ्टवेयर डिवाइस वो होती हैं जिनको ना ही हम देख सकते हैं और ना ही इनको छू सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इनको हमें उसमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है, इसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। ये कंप्यूटर के फंक्शंस को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये एक प्रोग्राम की तरीके से होती हैं, एक रिटन लैंग्वेज की तरीके से होती हैं जिनको सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर हैज़ नो लाइफ। ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन ऑल द प्रोग्राम्स दैट आर रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर की कोई लाइफ नहीं है, बिना इसके कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें कंप्यूटर को चलाने के लिए सारे प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ एग्जांपल होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, विंडो, iOS, एंड्रॉयड। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
द सॉफ्टवेयर विच इज स्पेशली डिजाइन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. दी सॉफ्टवेयर कम लोडेड इन सी डीज एंड हैज टू बी इंस्टॉल्ड टू द कंप्यूटर सिस्टम. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शंस को रन करने के लिए होते हैं, जैसे कि हमारा गेम, जैसे हम गेम देखते हैं कंप्यूटर में, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं या लोड कर सकते हैं. ये होता है जो पर्टिकुलर सिर्फ एक चीज़ के लिए होता है, जैसे पेंट है, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर गेम एंड म्यूजिक प्लेयर. ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर फिनिश हो गया. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.